में लिखा है दैट थ्री फ्रेंड्स जब रीडिंग पहुंचते हैं 11 बजे, वो देखते हैं कि यार रिवर कितनी डर्टी है। रीडिंग वैसे बड़ा फेमस जगह है, ये वही नाम है जिसके साथ बहुत फेमस चीज़ें हुई हुई हैं। नरेटर हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताता है कि यहाँ पर किंग एथलरेड नाम का बंदा रहता था और उसका भाई एल्फ्रेड, जिन लोगों को डेनीज नाम के लोगों से लड़ना पड़ता था। रीडिंग बड़ा फेमस होता था क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने पार्लियामेंट को जगह भी दी थी, जब वहाँ पर प्लेग होता है वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। जब सिविल वॉर वहाँ पर हुई ना, तो रीडिंग को अर्ल ऑफ एसेक्स ने पकड़ लिया और 100 सालों के बाद जो प्रिंस था ऑरेंज नाम का, प्रिंस ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज जगह का, जिसको बाद में हम किंग विलियम कहते थे, उसने किंग जेम्स द फर्स्ट को हरा दिया और किंग हेनरी द फर्स्ट भी यहीं पर दफनाया हुआ है। रीडिंग के अंदर कई फ्रेंड्स थे जिम के, जो स्टीम लॉन्च पर थे और वो अपनी बोट को टाव कर रहे थे। तो फ्रेंड्स को लगा कि यार अगर ये छोटी छोटी बोटें हमारा रास्ता ना क्रॉस कर रही होती है तो कितना मज़ा आता है, हमें बीच में हमें तंग कर रही हैं। जब ये टावइंग हो गई तो जॉर्ज और हैरिस को लगा कि जिम की ढंग बोट को खींचने की। छोटी सी डिस्कशन के बाद जिम ने कहा चल मैं करता हूँ। थोड़ी दूर आगे जाते हैं कि जॉर्ज ने एक डेड बॉडी देखता है पास में। डेड बॉडी ऐसी है कि गरीबी उसकी बॉडी पर दिख रही है, क्लोथ्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, फेस भी बूढ़ा हो चुका है और पीसफुल लग रहा है। तो डेड बॉडी में गरीबी दिख रही है और कपड़े भी सही नहीं हैं, फेस भी ऐसा ओल्ड है अपने समय से पहले ही, मगर पीसफुल फेस है। लोग जो हैं वो भी इस बॉडी को देखते हैं, इसलिए जो थ्री फ्रेंड्स होते हैं उनको पुलिस का सामना नहीं करना पड़ता। बाद में उनको पता लगता है ये जो स्टोरी थी डेड बॉडी की, ये प्यार और धोखे की थी। असल में गर्ल को एक ऐसे लड़के से प्यार हो गया था जिसने उसको छोड़ दिया था जब उसको मदद चाहिए थी। सारी उसकी फ्रेंड्स और लव्ड वन जो थे उन्होंने भी उस पर डोर क्लोज कर दिया था और उसको कह दिया था अपना ध्यान खुद रखो और अपने बेबी का भी ध्यान खुद रखो, क्योंकि कोई भी मदद नहीं थी आगे, उसको सारा काम खुद करना पड़ता था। थोड़ी सी तनख्वाह में आधी सैलरी तो अपने बेबी के ध्यान में ही रहती थी और बाकी से वो बड़ी मुश्किल से अपने शरीर और आत्मा को कठे रखती थी। एक दिन बहुत मुश्किल और आधी सैलरी जो थी बच्चे के ध्यान पर और आधी से बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा के रखती थी। एक दिन बड़ा बहुत हो गया, उसे जिया ना गया, उसने सोचा कि वो अपनी बेबी को किस करेगी द लास्ट टाइम, अब नदी में कूद के जान दे देगी। फिर उसके बाद वो और विलेजेस में गए, फिर वो एक गौरिंग नाम के विलेज में गए जहाँ पर वो एक रेलवे स्टेशन के पास है। और नरेटर को लगा कि यार किसी तरह से भाग जाए, होटल का बिल ना देना पड़े और यहीं पर ही हम रह लें। मगर उनको लगता है कि स्ट्रेटली नाम की जगह दूसरी तरफ है जो कि ज़्यादा अच्छी है फॉर द ब्रेक। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग के बारे में बताओ। रीडिंग इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट, दिस टाउन इज इन द सदर्न इंग्लैंड, इट सॉ द वॉर्स बिटवीन किंग एथलरेड ऑफ इंग्लैंड एंड द डैनिश रेडर्स। एथलरेड वॉज अ वीक रूलर बिकॉज Ethelred only prayed while his brother Alfred fought against the Danes. तो वो पूजा ही करता रहता था। Then the narrator talks about Black Death in England when plague struck the country. Members of the Parliament had rushed to Reading to find refuge. In 1625, the lawyers had found haven there. Moreover, when there was a war between Parliament and the King, this town was taken by Earl of Essex. After that, Reading is also famous for Benedictine Abbey, where King Henry I, the founder of the German dynasty of Saxons, was buried. The Reading is a famous old town because of its being a scene of many historical events. The points mein agar bole, ek ladai hui thi Ethelred aur Danes ke beech mein, magar Ethelred puja hi karta rehta tha to uska bhai Alfred hi ladta tha. Dusra, जब यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो सारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे वो भाग के आए थे यहाँ से बचने के लिए। तीसरा, जब यहाँ पर पार्लियामेंट की लड़ाई राजा से चल रही थी वो भी यहीं पर हुई थी। आखिरी, अर्ल ऑफ एसेक्स, सॉरी दिस हेनरी द फर्स्ट, जिसने जर्मन डिनेस्टी ऑफ सैक्सन शुरू की थी, वो भी यहीं पर दफनाया गया था। फिर उसके बाद डेड बॉडी वाली कहानी। अभी वो 10 miles when they cross after reading, they see Jim has been forced to row the boat and then George notices something black floating on the river. He is shocked to find that it is a dead body of a woman whose appearance reveals her miserable life because the face is pinched. Her face also reveals that she has found peace and rest in death.
The friends come to know that the woman has committed suicide, finding life too hard to tolerate. And then she had been deceived by her lover and had been forced to lead the life of hardships and poverty. Not only was she looked down upon by the society, she also had to work hard the whole day to earn a meager salary. Thoda sa kamati thi. Half had to be spent for the upkeep of her son, and the other half was not adequate for the survival of the two. All the relatives and friends had turned their backs on her. She had found a way out of sad flight into death and had jumped into the river. कि अपनी दुख की जिंदगी से उसको मौत है. इसमें यही question important है. वो reading वाला आता नहीं है. And the last chapter will continue with this. Sir, reading वाला समझ नहीं है. Reading के अंदर बस चार वक्त से याद रखो. Reading वाला कहता है important share है. सबसे पहले आपने उसमें क्या कहना है, बिकॉज रीडिंग वॉज द सिटी जहाँ पर बड़ा कुछ हुआ, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. नंबर वन, यही वो शहर है जहाँ पे एथलरेड राजा था इंग्लैंड का, जिसकी लड़ाई चल रही थी डेनिस के साथ. डेनिस का मतलब है डैनिश लोग. डैनिश का मतलब है जो यूरोप की एक कंट्री डेनमार्क है ना, वहाँ के डेनमार्क के डैनिश, उनके साथ लड़ाइयाँ चल रही थी. मगर एथलरेड का भाई, एथलरेड पूजा ही करता रहता था, उसका कोई ध्यान ही नहीं था अपने काम में, तो उसका भाई एल्फ्रेड असल में लड़ा था. एक कहानी है पूरी हुई. दूसरे पे उन्होंने कहा कि एक दिन वहाँ पर ब्लैक डेथ नाम की एक बीमारी आ गई थी इंग्लैंड में, तो यहाँ पर आकर लोगों ने रिफ्यूज ली थी. तीसरा है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक दिन लड़ाइयों से भाग कर, लोगों की लड़ाइयों से भाग कर रीडिंग में आए थे. चौथा है, यहाँ पर एक बड़ी लड़ाइयाँ हो गई थी पार्लियामेंट और लोगों के बीच में, तब भी वो यहीं पर आए थे. एंड देन रीडिंग इसलिए भी फेमस है क्योंकि जिसने जर्मनी की डिनेस्टी सैक्सन्स शुरू की थी, वो राजा हेनरी द फर्स्ट, उसको भी यहीं पर दफनाया गया है. तो इन सारी बातों से पता लगता है, ऑल्दो द सिटी लुक्स वेरी ब्लैंड एंड प्लेन, येट इट इज़ हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट.